देश भर से युवा आए हैं और अब ये आज एक ही आवाज लगा रहे हैं, एक ही नारा लगा रहे हैं, एक ही सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि कहाँ है हमारा रोजगार। सर, पिछले 4 साल पहले जब कांग्रेस का भ्रष्टाचार की सरकार थी, जब बेरोजगारी की स्थिति इतनी खराब थी, तब नरेंद्र मोदी इस वादे के साथ आए थे कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। यानी कि अभी 5 साल पूरे होने वाले हैं, अभी उनके 10 करोड़ रोजगार पूरे हो जाने चाहिए थे। लेकिन सच्चाई क्या है हम जानते हैं, 10 करोड़ छोड़िए, 8 लाख मुश्किल से रोजगार पैदा हुआ है, वो भी खत्म हो गया। ये सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं। नोटबंदी जीएसटी के टाइम पे कपड़े का बाजार खत्म हो गया था पूरी तरह से। आप देखते हैं कि भाई जो एक्सपोर्ट है उसकी ऐसी बहुत बुरी हालत हो गई थी। उसके अलावा जो रोजगार जिनके पास है भी, उनकी स्थिति इतनी खराब है कि न्यूनतम वेतन लागू नहीं होता है। मुश्किल से लोग 10 से 11 हज़ार रुपये कमाते हैं। हम लोग कापासेड़ा से आ रहे हैं, कापासेड़ा में काम करते हैं, मुश्किल से लोगों को पैसा मिलता है। उसके ऊपर से कॉन्ट्रेक्चुलाइजेशन का हालत खराब है, ठेकाकरण हर जगह है ना। हम ठेकाकरण देखते हैं, ठेकाकरण में होता ही है कि बीच का बिचौलिया पैसा खा जाता है। उसके अलावा तीसरा जो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आप ये देखते हैं कि भाई परमानेंट जॉब किसी का भी नहीं है। आज के टाइम परमानेंट जॉब को खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से। देश के अंदर कोई साधनों की कमी नहीं है। जो लूट मचा हुआ है आज देश में, तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया अपने बड़े बड़े पूंजीपति और छोड़ गए देश को, जिनको छोड़ने की इजाजत दी मोदी सरकार ने। अगर वो पैसा जो लूटा हुआ है ये रफेल के कांड में, हवाई जहाज खरीदने में जितना पैसा वहां पर भ्रष्टाचार में लूटा हुआ है, अगर इसमें से आधा भी वापस ले आ सके सरकार को, तो अपने देश के अंदर हर नौजवान को हम शिक्षा दे सकते हैं, स्वास्थ्य दे सकते हैं और रोजगार दे सकते हैं, और उसी के आधार पर एक नया भारत और बेहतर भारत का निर्माण हो सकता है। आज वो है लड़ाई अपनी। वो लड़ाई करना है तो इन नीतियों को और इस व्यवस्था को बदलना है, और बदलना है तो सबसे पहला काम आपको जोर से बोलना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर अगर मोदी साहब बैठे हैं, आज उनकी दफ्तर वहां पे भी है, अगर वहां पे बैठे हैं तो आपकी और देश के नौजवानों की आवाज गूंजनी है वहां तक कि मोदी साहब बताइए हमारी नौकरी कहाँ है। अगर नहीं दे सकते हो, गद्दी छोड़िए, हम व्यवस्था को बदलेंगे और एक नया व्यवस्था ले आएंगे आज हमारे देश के अंदर। ये जो विश्वास नौजवान की पीढ़ी दिखाएगी आज, उसी पर आधारित है भारत।